नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 121,000 है, तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो इसमें हमें चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में लगाना है, यानी हमें इसमें मूलधन निकालना है। ठीक है, अमाउंट कितना है, अमाउंट यानी वर्तमान जनसंख्या है 121,000। टाइम दिया है हमें 2 वर्ष, और रेट दिया है 10%। ठीक है, हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट बराबर P(1+R)/100। टाइम, अमाउंट की वैल्यू है 121,000, पी हमें निकालना है, रेट है 10% / 100, और टाइम है 2 वर्ष। एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 121,000 = P। अब यहाँ पर 1/10 बचेगा, 10 1 हो जाएगा 11, 11/10 2। तो 121,000 = P × 11 2 कितना होता है 121/10 = 100। पी बराबर निकालेंगे तो 121,000 × 100 = 121। 121 से काटेंगे तो 1000 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 1000 × 100, बराबर ले देंगे तो कितना आ जाएगा 100,000। ठीक है, ये जनसंख्या है। तो 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 100,000, जो उसकी अभी वर्तमान में कितनी पहुंच गई है, 121 पहुंच गई है उस शहर की जनसंख्या, 2 साल पहले 100,000 थी। ठीक है, तो जो जनसंख्या वाले सवाल हैं वह चक्रवृद्धि ब्याज से ही कैलकुलेट होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो वर्तमान जनसंख्या थी उसको अमाउंट माना, टाइम 2 वर्ष था और रेट 10% था, तो हमने चक्रवृद्धि ब्याज से इसका मूलधन निकाल दिया, यानी मूलधन 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या है वह कितनी थी, वह 100,000 थी। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।